सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी बीएड के लिए, प्री बीएससी बीएड के लिए और जो भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सारे चीज़ें हैं उन सभी के रिलेटेड यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया गया है। ऑनलाइन मोड से आपको कहाँ पर जाकर के चेक करनी है, किस तरह से चेक करनी है, इन सभी के प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ सभी स्टूडेंट्स को। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है। ओके सो यहाँ पर आप गूगल सर्च कर दीजिएगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुँचने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जिन बच्चों को भी फिल करने में परेशानी दिक्कत आई होगी यहाँ पर उन सभी के प्रोसेस जान पाएंगे। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि रिलीज़ हो चुकी है कभी का 29 अप्रैल को की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे नोटिफिकेशन में कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज्ड। सो क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। सबसे पहले तो ये फॉर्म फिलअप करना है जहाँ पर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस फिल कर दीजिएगा और नीचे यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है। जिससे ये होगा कि आपको छत्तीसगढ़ प्री बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड तरीके से अपडेट नोटिफिकेशन मिलती हैं आपको। सबसे पहले इसे कट कर देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 29 अप्रैल 2022। क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। स्क्रॉल डाउन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर है बीएससी बीएड जो जिसके लिए क्लिक हियर पे क्लिक करना है। अब जब ये करते हैं आप तो जो छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे ओपन होंगे। ओके और वहाँ पे आकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म के जो सभी डिटेल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है वो यहीं से कर पाएंगे आप, यहाँ पर आ कर के देख पाएंगे आप। ओके सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड रायपुर, तो जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ही आप ओपन हो चुके हैं। तो आर यू छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप बताएंगे 12th क्लास के आपने वहीं से पास किया यहाँ पर। ओके क्या हायर सेकेंडरी में आपका संकाय विज्ञान या फिर गणित थी? यस। और यहाँ पर जो भी रहेगा आप भी बता सकते हैं किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम अप्लाई फॉर, क्या चीज़ के लिए, और यहाँ पर हाँ बोल देंगे तो चूज़ फाइल बताएंगे। अब मतलब यहाँ पर होता है कि आपको फ़ोटो अपलोड करनी होती है। देखिए यहाँ पर प्लीज़ अपलोड योर फोटोग्राफ अप टू 10 KB to 60 KB। चूज़ फाइल पर क्लिक करना, अपलोड योर सिग्नेचर 20 KB to 40 KB सिग्नेचर यहाँ पर रहनी चाहिए। यहाँ पर अपलोड करना आपको फ़ोटो, बेसिक इंफॉर्मेशन में अपना फिल करना है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, जहाँ पर आपका नाम होगा, आपका कैंडिडेट, आपका आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे जो भी होगा आपका। सपोज़ मेरा इतना था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर जेंडर बताना, अपना मेल या फीमेल, नॉर्मली ये सब यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है ये। और फिर आधार कार्ड नंबर दे करके आगे बढ़ना, जहाँ पर एड्रेस, स्ट्रीट नेम सब नॉर्मली यूज़ होता है जो एड्रेस में, वो यहाँ पर फिल कर देना है। पिन कोड नंबर क्या है, आप कौन से एरिया से बिलोंग करते थे, अर्बन या फिर रूरल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या था बताएंगे, एग्ज़ाम सेंटर बताएंगे, एग्ज़ाम सिटी सेंटर बताएंगे। डिक्लेरेशंस में यहाँ पर आप एग्री करेंगे, यहाँ पे आप बताएंगे प्लीज़ एंटर द कोड शोन बिलो, यहाँ पे एंटर करेंगे कोड डिज़ाइन और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे, जिस वजह से आप आगे का प्रोसेस कर पाते हैं। तो सबमिट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। सो जब भी आप सबमिट करते हैं तो आपको ऐसा दिखने लगेगा और यहाँ पर आपको वापस जाने का ऑप्शन भी आएगा, क्योंकि अगर आपसे गलती हुई है कोई भी किसी भी प्रोसेस में तो आप उसे वापस से गो बैक पे क्लिक करके उस गलती को सुधार सकते हैं, गलती वापस से चेंज कर सकते हैं जो भी गलती रहेगी। आप सब कुछ सही है, सही है कंफर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबमिट, कंफर्म सबमिट करना होता है और यहाँ पर प्रिंट कर देना होता है, बस इतना ही आपको करना था। अगर आपको डाउट है डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके चेक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।